हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बंजारा जन विकास सेवा समिति के तत्वाधान में रविवार को इंदौर के कीमती गार्डन में नववर्ष कैलेंडर एवं बुकलेट के विमोचन के साथ ही समाज के प्रतिभाओं के सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बंजारा जन विकास सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश मनावत ने बताया कि नववर्ष वार्षिक कैलेंडर व बुकलेट फोल्डर का विमोचन एवं 21 प्रतिभाओं का सम्मान व नशा मुक्त समाज का संकल्प समाज बंधुओं को दिलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बंजारा समाज के आराध्य संत सेवालाल जी की तस्वीर के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। रविवार को बंजारा जन विकास सेवा समिति इंदौर मध्य प्रदेश के समाज सेवा में सफल 11 वर्ष पूर्ण होने पर बंजारा समाज की सांस्कृतिक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने मन मोह लिया। आयोजन में तत्कालीन महापौर व विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ व पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के मुख्य अतिथि तथा बंजारा समाज के वरिष्ठ ऋषि राठौर, पूर्व जिला महामंत्री श्याम नायक, प्रदेश अध्यक्ष भीम सिंह राठौर के विशेष आतिथ्य में नववर्ष वार्षिक कैलेंडर व संस्था की बुकलेट का विमोचन किया गया। साथ ही समाज की 21 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। और अभी ही पिछले 28 तारीख को 6 किलो वजनी रतन टाटा का स्मृति संस्कृत कार्यक्रम के लिए जोरदार ताली लगाएं। इसके पश्चात सिमरन कुमारी सिमरन चौहान, कुमारी प्रिया चौहान, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन का स्वागत है। तन्वी चौहान चलिए जाए, तन्वी चौहान, निकिता पवार, निकिता पवार, हेमा पवार, जिन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुति दी, कृपया जोरदार ताली बजाकर बच्चों का अभिवादन करें। सर कुमारी प्रीति राठौर के मम्मी पापा भी हिदायत करता मंच पर आया, शानदार प्रस्तुति दी कुमारी का है। महिमा चौधरी, भगवती यादव, अपने परिवार के साथ साथ में रहे, बहुत शानदार प्रस्तुति, एक बार जोरदार पूर्ण ताली बजाकर उसका अभिवादन करेंगे। वार्षिक कैलेंडर का विमोचन हमारे अतिथि द्वारा किया जा रहा है, कृपया जोरदार ताली बजाकर कार्यक्रम का शुभ मनाएं।
हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गोविंद द्वारा पार्टी के नेता गोचर साथी बाबू पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक माननीय सदस्य भाई महेश चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष अरुण पाल जी, जिला कार्यपालक अधिकारी भाजपा के शाह नायक जी, ब्रह्मपुर जाति महासभा के पदाध्यक्ष के लेटर का विमोचन किया जा रहा है उनका। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत ने की। अतिथियों का स्वागत संस्था अध्यक्ष प्रकाश मानावत ने किया। इस अवसर पर सभी समाज बंधुओं को नशा मुक्ति समाज का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ व पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि इंदौर में MR9 रोबोट चौराहे पर संत सेवालाल जी की प्रतिमा लगाने के साथ ही विधानसभा 4 के वार्ड क्रमांक 84 के उद्यान का नाम भी संत श्री सेवालाल जी के नाम पर किया गया है। वहां पर उसकी पट्टिका भी अतिशीघ्र लगा दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन मुकेश मानावत ने किया। कार्यक्रम के अंत में आभार एडवोकेट दरबार नायक ने माना। मांगे रखी है, एक तो रोबोट चौराहे पर संत श्री सेवालाल जी महाराज की जो प्रतिमा लगानी है उसके लिए हमारे वर्तमान सांसद पूर्व आईडी अध्यक्ष शंकर जी लंगवाली जी ने प्रयास किया था, भाभी ने प्रयास किया और हम सब लोग मिलके हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ रोबोट चौराहे जो MR9 पे वहाँ पे संत सेवालाल जी महाराज की प्रतिमा लग जाए, क्योंकि सरकार है तो निश्चित ही बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। भाभी और हम सब लोग संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 84 में जो द्वारकापुरी में जो वहाँ पर नामकरण करना था वह भी क्योंकि भाभी के हाथ में ही है तो भाभी का क्षेत्र तो निश्चित ही हो जाएगा, देर हो सकती है अंदर नहीं होगी। तो मैं आप सबसे बस इतना अनुरोध करूँगा कि हम सब देख रहे पत्रों में और पूरे मीडिया में देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है और हम सबको उससे बचाव के उपाय करना चाहिए। हम सब देख रहे हैं कि कम से कम 1-2% लोगों ने मास्क लगा रखा है क्या। वहाँ उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है उसके लिए हमको, क्योंकि विदेशों में आप सोच भी नहीं सकते कि 3 लाख लोग रोज कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी वो ग्राफ बढ़ता जा रहा, तो हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर में जिस तरह सभी लोगों ने अपने परिजनों को खोया वो बहुत बड़ी हमारी क्षति थी। इस तीसरी लहर में हमको इन सब चीजों से बचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा और आप सभी सतर्क रहें। नामकरण भगवान सेवालाल जी महाराज के नाम से, चूंकि वहाँ के स्थानीय लोग इसका थोड़ा वो कर रहे थे तो उनसे चर्चा करके मैं इसको करवाने का जरूर प्रयास करूँगी। जो बंजारा जन विकास सेवा समिति द्वारा यहाँ पर होल्डर का विमोचन, कैलेंडर का विमोचन, प्रतिभा बच्चों का सम्मान, क्या किस तरह से पूरा आयोजन संपन्न हुआ आज? जैसा कि बंजारा जन विकास सेवा समिति द्वारा वार्षिक कैलेंडर का, बंजारा समाज के कैलेंडर का विमोचन, साथ ही संस्था की 11 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था के जो कार्य है उसको बुकलेट के रूप में हमने प्रसारित करा है और संस्था ने जो काम करे हैं 11 वर्षों में, चाहे स्वास्थ्य में करे, चाहे शिक्षा में करे, चाहे पर्यावरण में करे, समाज की संस्कृति को जीवित रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं और भी समाज को जन जागरण के लिए जो लगातार संस्था करती है उस कैलेंडर का भी और फोल्डर का विमोचन आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मालिनी गौड़ और कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रहे माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, समाज के वरिष्ठ ऋषि राठौर जी, भीम सिंह राठौर जी और हमारे बीच में कई समाज के मातृशक्ति बहनों के बीच में आज ये कार्यक्रम में विमोचन का आयोजन किया गया है। मालिनी गौड़ जो आपके यहाँ पे विधायक पहुंची है उन्होंने भी कुछ घोषणा की आपके समाज के लिए। माननीय मालिनी गौड़ और भाई साहब सुदर्शन गुप्ता जी ने एक तो MRN चौराहे का काफ़ी दिनों से बंजार समाज की मांग थी उसको लेकर एक आश्वासन किया, जो जिला योजना समिति में हमारा ये आईडिया द्वारा प्रस्ताव पारित था उसके चौराहे के लिए शीघ्र उन्होंने इस कारण आश्वासन दिया गया। एक द्वारकापुरी में भी किसी उद्यान का नामकरण को लेकर भी उन्होंने कहा
द्वारकापुरी में माननीय महापौर जी मालिनी गौड़ कार्यकाल में बगीचा का नामकरण किया गया था, पर किसी कारण से वहाँ बोर्ड नहीं लग पाया, तो उसके लिए भी भाभी ने आश्वस्त किया कि बहुत शीघ्र वो बोर्ड लगाया जाएगा और समाज के संत सेवालाल के नाम से बगीचा किया जाएगा। आपका नाम और पता? समाज सेवी प्रकाश महाराज, संस्था अध्यक्ष, बंजारा जन विकास सेवा समिति।